दोस्तों मिड रेंज सेगमेंट में कन्फ्यूजन नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है स्मार्टफोन्स को लेकर। आपको ऐसे ऐसे फ़ोन ऐसी प्राइसिंग पे मिलेंगे जो हमने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टॉपिक्स के बारे में, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है 5G को लेकर। आपको इंडिया में बहुत ही जल्दी बजट में 5G फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। बजट से मेरा मतलब है 15-16 हज़ार की रेंज में। फिलहाल आप जानते हैं आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 765G। ये प्रोसेसर भी जल्दी इंडिया में आ जाएगा किसी फ़ोन के अंदर, और ये आपको मिलेगा इंडिया में आई थिंक 22 हज़ार की रेंज में। बट एक और प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है जो है स्नैपड्रैगन 690 5G प्रोसेसर। ये स्पेशली बना है मिड रेंज सेगमेंट के लिए। तो जो भी फ़ोन रहेंगे 15-16 हज़ार की रेंज वाले, वहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 690 देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद ये है इस साल के एंड तक तहलका मच चुका होगा मिड रेंज सेगमेंट में, इंडियन मार्केट में भी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, एक तो वीडियो को लाइक कर दो, दूसरा सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो, क्योंकि हमें अगस्त तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। उसके लिए आपका प्यार दबा के मुझे चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है पोको X2 17,500 में, दूसरा है मोटोरोला वन फ्यूज़न प्लस 17,000 में। दोनों में से आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे? एक तरफ है फुल व्यू डिस्प्ले, दूसरी तरफ है 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। कमेंट में बताओ किसके साथ आप जाना पसंद करोगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो कुल मिलाकर दोस्तों 5G फ़ोन का तहलका मार्केट में मचने वाला है 15-16 हज़ार में, 20-22 हज़ार में, 25-30 हज़ार में, या फिर फ्लैगशिप लेवल पर हर तरफ आपको 5G देखने को मिलेगा। हाँ वो बात अलग है, इंडिया में 5G को आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन 5G फ़ोन आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे। और जो ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 690, ये दोस्तों कम नहीं है, बहुत ही पावरफुल ये प्रोसेसर है। आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस अब देखने वाली बात यह रहेगी किसके कौन से ब्रांड पे नाम जाता है नंबर 1 5G फ़ोन मिड रेंज सेगमेंट का। मुझे उम्मीद है कि ये जो नाम है ये लेकर जाएगा रियलमी नंबर 1 5G फ़ोन के साथ, क्योंकि आपको रियलमी X3 आप सब जानते हैं बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब ये बात ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है, माधवी ने ट्वीट करके बता दिया है कि 25 जून को आ रही है इंडिया में रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम। अब कुछ टाइम पहले एक रूमर आया था कि जो रियलमी X3 सुपर जूम है ये इंडिया में किसी और चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा। बाहर आपको मिलता है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 प्लस, बट दोस्तों ये रूमर गलत साबित हो चुका है। आपको इंडिया में वही मिलेगा रियलमी X3 सुपर जूम जो आपको बाहर की मार्केट में देखने को मिल रहा है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक बात है रियलमी X3 के बारे में, तो रियलमी X3 आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है, मतलब डिज़ाइन आप देख लो ऐसा आपको मिलेगा फ्रंट से और बैक से इस तरह का ये आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो आपको मिल रहा है चाइना में रियलमी X50M या फिर जो भी इस लेवल के आपको फ़ोन मिल रहे हैं चाइना में स्नैपड्रैगन 765G के साथ, इनमें से कोई फ़ोन रीब्रांड करके लॉन्च किया जाएगा इंडिया में रियलमी X3 के नाम से, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं यह मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रियलमी X50 की तरह ही होगा इंडिया का रियलमी X3। और रियलमी X50 कैसा फ़ोन है इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अगर लॉन्च होता है अच्छी प्राइसिंग पे तो हमें रीब्रांडिंग से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 20-22 हज़ार की रेंज में ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है कि अगर आप पहले रियलमी X2 यूज़ कर चुके हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले, बट लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। बाकी कंफर्म होते ही सब कुछ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी तो जो कुछ भी है यही है। डिज़ाइन ऐसा होगा फ़ोन का फ्रंट से और ऐसा आपको मिलेगा बैक साइड से, फ्रंट में होंगे ड्यूल पंच होल डिस्प्ले, ये बात भी कन्फर्म हो चुकी है। तो देख लो मैं आपको रियलमी X3 का हैंड जोन दिखा रहा हूँ, हालांकि ये रियलमी X3 नहीं है बट ऐसा ही वो आपको मिलेगा, ये बात तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि है पोको की तरफ से। पोको ने एक ट्वीट किया था, अब मतलब पोको इंडिया ने भी रेगुलर ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है हमें हिंट देते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि 20-25 दिन के आसपास आपको पोको का नया फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। जो आपको रियलमी X3 देखने को मिलने वाला है उसको टक्कर देने आएगा पोको का ये नया स्मार्टफोन। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे इसके बारे में क्या लग रहा है। दो बातें हैं जो कि यहाँ पर हो सकती हैं। पहली बात,
इंडिया में लॉन्च हो जाए रेडमी के 30 5G वेरियंट स्नैपडील 765G के साथ, जो कि लॉन्च होगा पोको X2 प्रो के नाम से। एक तो ये बात हो सकती है, ये फ़ोन टक्कर देगा रियलमी X3 को, जो कि अभी आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरी बात ये हो सकती है, आपको इंडिया में मिल सकता है फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन पोको F2 प्रो के नाम से स्नैपड्रैगन 865 के साथ। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या कुछ निकल के आता है। मुझे जो उम्मीद लग रही है वो लग रही है पोको X2 प्रो की, मतलब कि स्नैपड्रैगन 765G वाले स्मार्टफोन की, क्योंकि रियलमी X3 लॉन्च होने वाला है। ऐसे में पोको उसको टक्कर देने के लिए कुछ ना कुछ तो मार्केट में लेकर जरूर आएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। तो पीछे रहने वाला पोको है नहीं, तो ऐसे में तो ये मुझे लग रहा है। आपको इसके बारे में क्या लग रहा है कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। आपको फ्लैगशिप किलर मिलेगा कोई, या फिर मिलेगा प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन? मिलेंगे आपको दोनों ही फ़ोन, अब कितने टाइम गैप पे मिलते हैं ये एक देखने वाली बात रहेगी। दोनों साथ में फ़ोन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये बात आप कन्फर्म मान सकते हैं। तो फिलहाल तो ट्विटर का गेम यहाँ पर शुरू हो चुका है पोको की तरफ से। यहाँ पर ये पूछ भी रहते हैं कि गैस करो इस ट्वीट का मतलब क्या है, क्या हिंट यहाँ से मिल रही है। तो डीकोड करके बताओ आपको इस ट्वीट के बारे में क्या लगता है, कमेंट में बताना मुझे। इसके अलावा दोस्तों मुझे आपके काफ़ी कमेंट्स मिल रहे हैं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को लेकर, कि क्या हमें ये फ़ोन परचेज करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए रियलमी X3 का। तो देखो यार, बात ऐसी है, अगर आपको 16-17 हज़ार का फ़ोन लेना है तब आप इसको परचेज़ कर लो, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो रियलमी X3 है उसका प्राइस इतना कम नहीं होने वाला। फिलहाल आपको बताया जो रियलमी 6 प्रो रियलमी X2 ये सब आपको मिल रहे हैं 17-18 थाउजेंड की रेंज में। तो आप ये मान लो रियलमी X3 आपको 20 हज़ार से ऊपर की रेंज में ही मिलेगा। तो अगर आपको 20 हज़ार से ऊपर की रेंज का फ़ोन परचेज करना है तब आप वेट कर सकते हैं, वेट करना बनता है। लेकिन अगर आपको फ़ोन लेना है 20 हज़ार से कम की रेंज में तब मेरे अकॉर्डिंग वेट करना नहीं बनता। तो ऐसे में आप परचेज कर लो मोटो वन फ्यूजन प्लस, काफ़ी बड़ा नाम है इस फ़ोन का। और आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हम पोको X2 परचेज कर चुके हैं तो हमने गलती तो नहीं की परचेज़ करके पोको X2? तो देखो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों फ़ोन में क्या है कि कुछ बातें एक की अच्छी हैं और कुछ बातें एक की अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों फ़ोन में ये बिल्कुल बराबर बैठे हैं। एक के पास एडवांटेज है फुल व्यू डिस्प्ले का, दूसरे के पास है हाई रिफ्रेश रेट का। एक के पास एडवांटेज है बड़ी बैटरी का, दूसरे के पास है ग्लास बिल्ड क्वालिटी का। इनका मैं कंपैरिजन आपके लिए जल्दी लेकर जरूर आऊँगा, एक बार फ़ोन मेरे हाथ में आने दो। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने पोको X2 परचेज करके गलती कर ली, ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। दोनों के कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स हैं, आपको दोनों के क्या प्लस माइनस लगते हैं कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। साथ में वन प्लस जेड को लेकर भी कंफ्यूजन अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी थी। अब जो आपको वन प्लस जेड है ये मिलेगा वन प्लस नोट के नाम से, ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। और सुनने में ये आ रहा है कि जो इसकी प्राइसिंग है वो रहेगी 25,000 के आसपास। लेकिन ये सुनने में ही आ रहा है, ऐसा आप सच मत मानिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरे अकॉर्डिंग 30,000 से कम ये फ़ोन आपको नहीं मिलने वाला। इसके फीचर्स जो लीक हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इतनी बात बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा रियर में क्वाड कैमरा सेटअप, ये बात भी कन्फर्म हो चुकी है। और आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 765G, ऐसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर सामने आ चुके हैं। साथ में एमोलेड डिस्प्ले, ग्लास बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ यहाँ पर आपको टॉप क्लास का देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में इसकी जो प्राइसिंग है, वैसे तो प्राइसिंग इसकी रहनी चाहिए 25 के आसपास, तब तो ये फ़ोन मार्केट में तहलका मचा देगा। लेकिन एक्चुअल में जो इसकी प्राइसिंग है वो 30-35 इसके बीच में मेरे अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। 30-32 हज़ार मुझे लगता है होगी इसकी प्राइसिंग। बाकी इसकी प्राइसिंग कन्फर्म होती ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अगर हम बात करते हैं जियो के बारे में, अगर आप यूज़ कर रहे हैं जियो फाइबर तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब आपको अमेज़ॉन प्राइम वीडियो भी फ्री में यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा जियो का 1300 वाला। अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसके साथ आपको अमेज़न प्राइम वीडियो की मेंबरशिप मिल जाएगी, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे ये जियो का ऑफ़र बहुत ही बढ़िया लगा। अब हमें वेट है नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स हमें यहाँ पर फ्री में कब देखने को मिलेगा उसका हम वेट करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी नहीं है नेटफ्लिक्स के जियो फाइबर में। तो फिलहाल आज के यही अपडेट्स थे, मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।